नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महा इंद्रजाल। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज माता का तीसरा नवरात्रा था और कल चौथा नवरात्रा है। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में अनेक प्रकार के टोने टोटके किए जाते हैं, खास करके धन की प्राप्ति के लिए ये समय बहुत ही उत्तम माना जाता है। यदि इन दिनों आप श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ कुछ उपाय, जिनको हम टोटके भी कह सकते हैं, यदि आप इन उपायों को कर लें तो आपको निश्चित रूप से धन की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में धन के साथ साथ यश, वैभव और कीर्ति भी शुरू होगी। दोस्तों, एक काम आप प्रतिदिन करें, जब तक माता के नवरात्रे चलते हैं तब तक आप एक काम प्रतिदिन करें। यह काम आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। आप माता को प्रतिदिन लाल अथवा पीले रंग के फूल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि माता को लाल और पीले रंग के फूल बहुत प्रिय होते हैं। साथ ही आप प्रतिदिन एक कन्या को भी कुछ न कुछ उपहार जरूर दें। जब तक माता के नवरात्रि चलेंगे, आप एक कन्या को प्रतिदिन कुछ न कुछ उपहार दें और कन्याओं को आप प्रसन्न जरूर करें। यदि आपके घर में कोई वृद्ध महिला है, आपकी माता जी है, आपकी सासू माँ है, आपकी दादी है, नानी है, कोई भी वृद्ध महिला है, तो आप उनको भी कोई ना कोई उपहार आप अवश्य दें। इतना आप अवश्य करें। पर इसके साथ साथ जो साधना हम आपको बता रहे हैं, इस साधना को भी आप करते रहें तो निश्चित रूप से आपको धन की प्राप्ति अवश्य। दोस्तों, सबसे पहले कुछ सामग्री हम आपको बता रहे हैं, आप ये सामग्री नोट कर लें। दोस्तों, आपको 3 चांदी के सिक्के आपको लेकर आने हैं। यदि आपके घर में पहले से ही उपलब्ध है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है तो आप बाजार से ला सकते हैं। यदि आप चांदी के सिक्के लेने में असमर्थ हैं तो आप 3 एक-एक रुपए के सिक्के भी ले सकते हैं, उससे भी काम चल जाएगा। 3 हल्दी की गांठें आपको लेनी है, जो साबुत हल्दी होती है जिसे हल्दी की गांठ बोलते हैं, 3 आपको हल्दी की गांठें लेनी है। इसके साथ साथ आपको कुमकुम, चंदन लेना है और थोड़ा सा हल्दी का पाउडर लेना है। ये काम आपको करना है। इसके पश्चात आप क्या करेंगे, आपका जो भी पूजा का स्थल है, जहां पर आप पूजा करते हैं, वहां पर आप एक तख्ता रख लीजिए जिसे चौकी बोलते हैं। चौकी के ऊपर आप एक लाल रंग का कपड़ा बिछा दीजिए। लाल रंग का कपड़ा बिछाने के बाद वहां पर आप माता की जो भी आपको प्रतिमा पसंद हो, जिस रूप में भी आप माता को पसंद करते हैं, आपको माता अच्छी लगती हो, माता की चरणों में आपकी श्रद्धा हो, उस रूप में आप माता की फोटो को आप उस चौकी पर स्थापित कीजिए और माता की चौकी के आगे, माता की फोटो के आगे आपको 3 स्वास्तिक बनाने हैं। एक स्वास्तिक बनाइए, उसके बराबर में दूसरा स्वास्तिक और उसके बराबर में तीसरा स्वास्तिक आप बना दीजिए। 3 स्वास्तिक आपको बनाने हैं। इसके पश्चात आपको करना क्या है, आपको हम एक मंत्र बता रहे हैं, आप इस मंत्र को नोट कर लीजिए। यह मंत्र आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इस मंत्र को नोट कर लें। इस मंत्र का उच्चारण आप अच्छे तरीके से करें, विधिवत तरीके से करें, तभी यह मंत्र कार्य करेगा। अब इस मंत्र का जाप कैसे करना है और यह प्रयोग आपको कैसे करना है, वो आप जान लीजिए। सबसे पहले आप करना क्या है, जो आपने 3 हल्दी की गांठें ली थी, 3 हल्दी की गांठों का प्रयोग हम बाद में करेंगे, पहले हम चांदी के सिक्कों की बात करते हैं, चांदी के सिक्कों की या एक एक रुपए के सिक्कों की बात करते हैं। तो जो मंत्र आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था, इस मंत्र को आपको 108 बार जाप करना है। पहले आप जो चांदी का सिक्का है या 1 रुपए का सिक्का है, उसको आप अपने हाथ में ले लें, दाहिने हाथ में ले लें, और दाहिने हाथ में लेने के बाद जो मंत्र हमने आपको स्क्रीन पर दिखाया है, आप इस मंत्र को 108 बार आप पढ़ेंगे। यदि आप 108 बार नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 21 बार आपको जरूर पढ़ना है, 21 बार पढ़ लें, अधिक से अधिक आप 108 बार भी पढ़ सकते। 21 बार या 108 बार पढ़ने के बाद जो चांदी का सिक्का या 1 रुपए का सिक्का था, वो आप स्वास्तिक के ऊपर रख दीजिए। इसी प्रकार जो दूसरा 1 रुपए का सिक्का था, आपको वो लेना है, पुनः आपको इस मंत्र को पढ़ना है। 21 बार पढ़े या 108 बार पढ़े, ये आप पहले से निश्चित करें। जितनी बार आप मंत्र पहली बार पढ़ेंगे उतनी ही बार आपको दूसरी बार पढ़ना है। अधिक से अधिक मंत्र पढ़ेंगे तो उतना ही अधिक लाभ होगा, जल्दी लाभ। मंत्र पढ़ने के पश्चात उस 1 रुपए के सिक्के को या चांदी के सिक्के को आप जो दूसरा स्वास्तिक था, आप उसके ऊपर रख दीजिए और इसी प्रकार
तीसरे सिक्के को हाथ में लेकर आपको इस मंत्र को पढ़ना है और तीसरे स्वास्तिक पर भी आपको इस एक रुपए के सिक्के को आपको रख देना है। इसके पश्चात आपको यही प्रयोग, बिल्कुल सेम प्रयोग आपको हल्दी की गांठों के साथ करना है। आपको बारी बारी से तीनों हल्दी की गांठें अपने हाथ में लेनी है और दिए गए मंत्र को आपको 21 अथवा 108 बार पढ़ना है और तीनों गांठों को आप जो स्वास्तिक था जहां पर आपने एक सिक्का पहले ही रख दिया था वहीं पर आप इन गांठों को भी आप रखते हैं। यह प्रयोग करने के बाद, यह कार्य करने के बाद आपको तीन लाल रंग के कपड़े लेने हैं, छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं। आप पहले से ही उन टुकड़ों को आप बनाकर रख लीजिए। एक आप लाल टुकड़ा बाजार से लेकर आएंगे, उसके आप जितना बड़ा रुमाल होता है इतने बड़े आप तीन टुकड़े कर ले चकोर चकोर। उसके पश्चात वो जो चांदी का सिक्का था अथवा एक रुपए का सिक्का था और हल्दी की गांठ थी, उसको आपको जो लाल रंग का कपड़ा था आपको इसमें डाल देना है और जो हल्दी थी, हल्दी का थोड़ा सा आपको इसमें पाउडर आपको छिड़क देना है ऊपर से। इस प्रकार आप इसकी गांठ बना लें और दो जो दूसरी जो हल्दी की गांठें थी और एक एक रुपए के सिक्के थे उनको भी बिल्कुल इसी प्रकार आप गांठों में आप बांध लीजिए। इसके पश्चात इनमें से एक गांठ आपको जो आपके घर की तिजोरी है आप अपने घर की तिजोरी में रखें, दूसरी गांठ को आप अपने घर के किचन में जहां पर आप खाना बनाते हैं वहां पर आप किसी दाल के डब्बे में या किसी भी ऐसे स्थान पर आप रख दीजिए जहां पर सुरक्षित रहे, और जो तीसरी जो गांठ थी उसको आप अपने दुकान में अपने गले में रख दीजिए। यह करने से पहले आप माता के आगे प्रार्थना करें और माता से आशीर्वाद लें कि हे माता, मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो, मेरे घर में धन धान्य हमेशा बना रहे, मेरे घर में जितनी भी दोष है सभी दोष दूर हो जाए और हमारा बिजनेस, हमारा कारोबार दिन दुगनी रात चौगुनी करे, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, हमारे घर में दरिद्रता और ग्रह क्लेश दूर हो जाए। इस प्रकार आप माता से प्रार्थना करने के पश्चात ही आप इन गांठों को अपनी तिजोरी में, अपनी रसोई में और अपने जो आपकी दुकान है दुकान के गले में। यदि आप ऐसा करते हैं तो इसके बाद आप देखेंगे कि किस प्रकार माता की कृपया आपके ऊपर होनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे आपकी जो समस्याएं हैं, दुख तकलीफ है, संकट है, वो धीरे धीरे दूर होने लगेंगे और आप धीरे धीरे आप अमीर होते चले जाएंगे और आपके जीवन की सभी समस्याएं। तो दोस्तों, नवरात्रि के पावन पर्व में आप इस टोटके को जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों हम हमेशा कहते हैं कुछ नहीं पता कब कौन सा टोटका आपका जीवन बदल दे, आपका भाग्य बदल दे और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति हो जाए। तो दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, 6 दिन बाकी है, आप इस प्रयोग को जरूर करें। हम उम्मीद करेंगे कि आपके जीवन में आपकी सभी इच्छाएं। जय माता।